नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एसएससी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एसएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, यूपी पुलिस या फिर कांस्टेबल या फिर एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो एक वैकेंसी आई थी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की। तो इस वैकेंसी का पहले पेपर हो चुका था लेकिन उसके बाद जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो कैंसिल करके दोबारा से री एग्ज़ाम होना है, जो कि आपको पता है कि जुलाई मंथ में होगा। तो आज उसी को लेके हम लोग जो है कंप्यूटर सेक्शन का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे, यानी कि कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जो उसके क्वेश्चंस आते हैं पैटर्न बेस पे, बिल्कुल पैटर्न टू पैटर्न मैंने ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया है और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो आइए देखते हैं और बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे 15 से 20 सेकेंड का समय होता है जो हम लोग दे पाते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेसिक में ना जा करके हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसने कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC 1960 के दशक में सुपर कंप्यूटर बनाया। ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली या फिर सेमुर क्रे। तो इसका उत्तर है आपका सेमुर क्रे। सेमुर क्रे ने कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC 1960 के दशक में सुपर कंप्यूटर बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को क्या अलग करता है। तो भाई इसका आप देख लीजिए आंसर क्या क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब, नैनो प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डिस्क यानी कि CD, ठीक है, स्मृति का कौन सा प्रकार है, प्राथमिक स्मृति, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी या फिर माध्यमिक मेमोरी, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है यानी कि रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, इसमें एक बार जो चीज़ें राइट की जाती हैं वो दोबारा जो है दोबारा से राइट नहीं की जा सकती, कहने का मतलब डिलीट नहीं किया जा सकता उनको, वैसे कि वैसे रहते हैं। कुछ आती हैं CDs जो WR होते हैं यानी रीड एंड राइट दोनों होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 बार होती हैं, तो उसका हम लोग मानेंगे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में बस क्या है, नेटवर्किंग उपकरण, तारों का गुच्छा, मदरबोर्ड के लिए एक और नाम या फिर आंतरिक स्मृति। तो जो बस होता है वो आपका आंतरिक स्मृति में आता है, ये कंप्यूटर में जो बस होता है वो आंतरिक स्मृति का काम करता है, इसलिए इसका सही जवाब है आंतरिक स्मृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन निम्न सूची में एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, डॉस, एंटीवायरस, ठीक है। तो भाई ओपन ऑफिस जो है ये आपका सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है, जो MS ऑफिस बनाती है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे वो होते हैं, पैकेज होते हैं, तो ये आपका यही सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट, यह जो है कंपनी है। और जो डॉस होता है ये आपका एक OS है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटीवायरस तो आपको पता ही होगा कि जो वायरस से लड़ता है, जैसे Avast हो गया, AVG हो गया, ठीक है, ई स्कैन हो गया, ये सारे एंटीवायरस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक परिधीय डिवाइस नहीं है, आभासी प्रदर्श इकाई, मुख्य मेमोरी चिप या फिर मॉडेम या फिर पेन ड्राइव। पूछा है परिधीय डिवाइस नहीं है, तो भाई इसका सही जवाब है मुख्य मेमोरी चिप। जो मुख्य मेमोरी चिप होता है तो वो परिधीय डिवाइस नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एल्गोरिथम कॉम्प्लीमेंट्री प्रतिनिधित्व करता है, निष्पादन का, कठोरता का, अस्पष्टता का या फिर शुद्धता का।
तो भाई इसके जो ऑप्शन हैं ये बहुत ही क्लोज हैं, तो इसमें ये ऑप्शन दोनों सही है, एक तो आपका शुद्धता और एक अस्पष्टता सॉरी निष्पादन। ठीक है भाई, ये जो एल्गोरिथम होती है वो आपकी शुद्धता को भी प्रिफर करती है, ठीक है, तो ये भी सही है आपका और निष्पादन भी सही है, दोनों ऑप्शन में है। तो भाई इसमें से हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका हटा दिया गया था, इसके नंबर सभी लोगों को दे दिए गए थे। ठीक है, जिनका जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया था, जिनके सही थे या फिर गलत थे, दोनों लोगों को नंबर दे दिया गया था, बस कंडीशन ये थी कि उन लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से विजुअली दिखाया जा सकता है? विजुअल बेसिक, ठीक है, फॉक्स प्रो, या फिर प्रवाह चित्र, या फिर फिफ्थ संपादक। तो भाई कंप्यूटर लॉजिक को प्रवाह में फ्लो चार्ट के उपयोग से दिखाया जाता है, जिसको हम लोग विजुअली बोलते हैं, यानी कि विजुअली फ्लो चार्ट। ठीक है, प्रवाह चित्र जिसको हम लोग कहते हैं, ये विजुअली दिखाया जा सकता है कंप्यूटर लॉजिक को। ठीक है, प्रवाह चित्र के माध्यम से, फ्लो चार्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल में BABA 16 का ऑक्टल में क्या होगा? तो ये आपको लगाना पड़ता है, कैसे लगाना पड़ता है ये बताने के लिए भी समय नहीं, लेकिन आप लोग जो लोग प्रोग्रामिंग कर चुके हैं भाई, ओ लेवल आप लोग करके आ ही रहे हैं, तो आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बता दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे करते हैं, फिलहाल इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा 135272। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 मेगा हर्टज और 10 मेगा हर्टज के उदाहरण है किस चीज़ के उदाहरण हैं? आयो गति के, डेटा स्थानांतरण गति के, कंप्यूटर घड़ी गति या स्टेफिकेशन, या फिर कंप्यूटर घड़ी गति स्टेफिकेशन, या फिर डाटा भंडारण गति। तो ये जो आपका होता है ये डाटा ट्रांसफ़र स्पीड में आता है, जो मेगा हर्ट होता है 4.7 मेगा हर्ट्स और 10 मेगा हर्ट्स, ये आपके जो है डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है। ठीक है, यानी डेटा स्थानांतर गति, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूट लोडर प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग करता है यह कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क की जीरो ट्रैक, किसी भी डिवाइस में, रैम में, या फिर रोम में। ठीक है, तो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी प्रोग्राम जब चलता है तो हमेशा रैम में उसकी एक आभासी मुद्रा बनती चली जाती है, तो ये वहाँ पे स्टोर होता रहता है रैम में, कहने का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आपका रैम में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा विसंगति किसके द्वारा रोका जा सकता है? अतिरेकता, मेटा डाटा, गतिरोध, या फिर बहुक्रमादेशन। ठीक है, तो भाई जो डाटा विसंगति होती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डेड लॉक्स, ठीक है, इसको जो है हम लोग गतिरोध द्वारा रोकते हैं, गतिरोध को हम लोग बोलते हैं डेड लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डाटा विसंगति को डेड लॉक द्वारा रोका जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मचारी वेतन 12,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, यह है अखंड बाधा, संदर्भित बाधा, अधिक परिभाषित बाधा, या फिर व्यावहारिक बाधा। कर्मचारी वेतन 12,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इंटीग्रिटी में आता है, किस में आता है? टी इंटीग्रिटी में। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग अखंडता भी कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। एक ऑप्शन और है, व्यवहारिक बाधा, यानी कि फिजिबल कॉन्स्टेंट। ठीक है, व्यवहारिक बाधा, तो ये ऑप्शन भी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसके ये भी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, एक अखंडता बाधा और एक व्यवहारिक बाधा। ठीक है, तो इसमें भी मार्किंग जो है दोनों लोगों को कर दी गई थी, जिनका सही था उनको भी, जिनका गलत था उनको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस डिजाइन के फंक्शन में निम्न में से क्या शामिल है? विभिन्न तालिकाओं की पहचान, अपनी विशेषताओं के साथ क्षेत्रों का निर्माण, मान्यता नियमों और डेटाबेस अंतर संबंधों का निर्माण, या फिर उपरोक्त सभी।
तो भाई डाटा बेस डिजाइन के फंक्शन में सम्मिलित हैं सारी चीजें, ये विभिन्न तालिकाओं की पहचान भी होता है, अपनी विशेषताओं के क्षेत्रों का निर्माण भी होता है, मान्यता और नियमों का डेटाबेस, अंतर संबंधों का निर्माण भी होता है। तो इसमें आपका होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन एंड एट्रीब्यूट्स की संख्या को कहा जाता है क्या, प्रमुखता, डिग्री, ट्यूपल्स या फिर इकाई? तो इसको भाई हम लोग कहते हैं क्या, डिग्री। इसका सही जवाब है डिग्री, 95 का सॉरी रिलीज का क्वेश्चन का आंसर है डिग्री, यानी कि बी वाला, ठीक है, डिग्री, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेबल का कॉलम किस रूप में जाना जाता है, ट्यूपल, गुण या फिर इकाई या फिर डिग्री? तो इसका जो आपका कॉलम होता है उसको ग्रुप के रूप में जाना जाता है, कहने का मतलब डी, ये गुण नहीं होगा, ये ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप के रूप में जाना जाता है। ग्रुप, ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसिड के गुणों, एसीआईडी गुणों का सेट है जो रिलायबिलिटी की गारंटी है, यहां पर ए क्या है? तो एसिड का जो अक्षर होता है वो एटोमिसिटी का जो है होता है, ए टी ओ एम आई सी आई टी वाई, यानी कि आणविकता। तो इसमें दे रखा आपको पहुंच, आणविकता है, एल्गोरिथम ये तो होगा नहीं, संबंधन ये होगा नहीं, ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए, तो इसका मतलब आणविकता, एटोमिक, ठीक है। अगला देखते हैं, फॉक्सप्रो में DELE कमांड का प्रयोग किया जाता है सभी अभिलेखों को हटाने के लिए, तालिका हटाने के लिए, उल्लेखनीय रिकॉर्ड हटाने के लिए, हटाने के लिए रिकॉर्ड चिन्हित करने के लिए, ठीक है। तो भाई फॉक्सप्रो में डिल का कमांड का स्पेलिंग, जो ये स्पेलिंग दे रखी डिल DELE, इसका प्रयोग जो होता है वो हटाने के लिए, जो आपको रिकॉर्ड हटाने होंगे उनको चिन्हित करने के लिए होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कौन ओरेकल में नए यूजर बनाता है, क्रिएट यूजर, सुशान, ठीक है, यानी सुशान नाम से एक यूजर क्रिएट करना, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगले भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिएट आर रिप्लेस यूजर सुशान, तो इसमें रिप्लेस भी मांग रहा है तो नहीं होगा, क्रिएट न्यू यूजर सुशान डिफॉल्ट ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्रिएट यूजर सुशान आइडेंटिफाइड बाई ब्लू, ये भी नहीं होगा, तो इसका पहला ऑप्शन होगा क्रिएट यूजर सुशान, ये नया यूजर बनाने के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कोई त्रुटि नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर EMP 15, ठीक है, ये सही नहीं है, आपका गलत है, ठीक है। और फिर देखते हैं EMP ID EMP वेयर EMP 15, ये भी आपका गलत है, सेलेक्ट EMP ID फ्रॉम EMP, यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा, ठीक है, ये वाला सही है आपका ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं, वेयर एम्पायरी रेस्टिंग लास्ट नेम सिंह, नहीं, ये भी गलत है, तो इसमें से आपको क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने जब प्रोग्रामिंग किया होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तालिका में कोई फील्ड विदेशी कुंजी के रूप में लिया जा सकता है यदि यह सभी तालिकाओं में मौजूद है, ऑप्शन है, यदि यह अद्वितीय मान है, कुछ अन्य तालिकाओं में एक प्राथमिक कुंजी है, किसी भी अन्य तालिका में मौजूद नहीं है। तो किसी भी तालिका में कोई फील्ड विदेशी कुंजी के रूप में तब लिया जा सकता है जब यदि कुछ अन्य तालिकाओं में एक प्राथमिक कुंजी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाट फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक डाट फाइल क्या होता है भाई, जब तक यह डिफ्रेगमेंट नहीं होती है, व्यर्थ है, संकुचित किया गया है, रैम रीड एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी नॉन कंजियस स्थानों में संग्रहित है, डिस्क में नॉन कंजियस स्थानों में संग्रहित है, यानी कि रैम में नॉन कंजियस स्थानों में संग्रहित है और डिस्क में नॉन कंजियस स्थानों में संग्रहित है। तो भाई इसका जो फाइल फ्रेगमेंटेशन होता है यह रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है, इसमें संग्रहित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल क्लोज थे, तो इसमें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रैम में ही स्टोर होता है, तभी आप सही कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटाबेस की संरचना के बारे में जानकारी किस में संग्रहित होती है, डेटा फाइल में,
डेटा डिक्शनरी में, डेटा घटकों में, या फिर डेटा मॉडल में। तो भाई ये जो आपका सही ऑप्शन है डेटा मॉडल, इसमें डेटा मॉडल में फाइलें संग्रहित होते हैं, ठीक है डेटा मॉडल। अगला देखते हैं, चार प्लेटों वाले एक डिस्क पैक जिसमें प्रत्येक प्लेट 2655 ट्रैक के प्रत्येक ट्रैक में 125 सेक्टर हैं, प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट्स हों तो उनकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता लगभग कितनी होगी। ठीक है तो भाई इसमें जो है 1 GB होगा, ठीक है ये आपका सही जवाब होगा 1 GB, क्योंकि 2655 ट्रैक है जिसमें से 125 सेक्टर भी दे रखा है और प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट्स हैं, दुगना करेंगे तो 1 GB के समथिंग आ जाएगा। ठीक है 1 TB तो होगा नहीं, 1 MB भी नहीं होगा, 1200C के भी होगा नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें 1 GB लिया जा सकता है क्योंकि पॉइंट में दिया नहीं है, नहीं तो 1024 के समथिंग आएगा, ठीक है 1024 के समथिंग आएगा, लेकिन अब दिया नहीं तो 1 GB पे ही टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो टर्म बूट करने योग्य विभाजन की पहचान करते हैं, मास्टर फैट, स्लैब फैट, या फिर प्राइमरी एक्टिव, या फिर प्राइमरी एनटीएफएस। तो इसमें भाई प्राइमरी एक्टिव होगा, ठीक है प्राइमरी एक्टिव जो है योग्य विभाजन की पहचान करता है, बूटेबल पार्टीशन की, ठीक है योग्य विभाजन मतलब बूटेबल पार्टीशन। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई प्रोग्राम एक पिक्सेल के लिए 8 बिट्स प्रदान करती है तब उस पिक्सेल से कितने प्रकार के रंग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है तो उसके ऑप्शन देखते हैं, 32, 64, 256 या फिर 1024। तो ये सब आप लोगों को पता होगा, 256 के कलर का आता है तो ये 256 तक रंग प्रदर्शित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, एक मेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट, या फिर ब्राउजर, या फिर खोज इंजन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आउटलुक एक्सप्रेस आप लोगों ने यूज़ किया होगा जब उससे हम लोग ईमेल वगैरह जो है भेजते हैं, कई सारी फाइलें बना लेते हैं फिर आउटलुक द्वारा मेल कर देते हैं, तो ये ईमेल क्लाइंट है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस पैकेज द्वारा नहीं निकाला जा सकता, स्पैम मेल, exe फाइलें, वर्ड फाइलें, PDF फाइलें। तो भाई exe फाइलें भी जो है वो इस एंटीवायरस जो है जब स्कैन करते हैं तो ले लेता है, वर्ड फाइलें भी अगर इंफेक्टेड तो ले लेता है, PDF फाइलें भी इंफेक्टेड तो ले लेता है, लेकिन जो स्पैम मेल होते हैं वो प्रोटेक्शन तो देता है वेब की, लेकिन स्पैम मेल जो है वो खुद ही डिलीट नहीं करता, निकालता नहीं है। ठीक है तो ये आपका हो गया, क्योंकि उसमें आपको ID पासवर्ड वगैरह डाल के लॉग इन करना होता है तो वो नहीं लेता एंटीवायरस। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, एक दस्तावेज या प्रपत्र अलग अलग पते पर भेजने के लिए विकल्प है, फॉर्म लेटर, मेल मर्ज, मुद्रण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मेल मर्ज, और ये MS वर्ड में यूज किया जाता है। ठीक है कई सारे पते लिख देते हैं और फिर एक साथ जो है एक ही क्लिक से मेल मर्ज के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल रेफरेंस C$4 एक उदाहरण है, सेल के निरपेक्ष रेफरेंस के लिए, सेल के सापेक्ष रेफरेंस के लिए, सेल के मिश्रित रेफरेंस के लिए, या फिर सेल के लिए सामान्य रेफरेंस के लिए। ठीक है तो ये जो होता है सेल के निरपेक्ष रेफरेंस का एक उदाहरण है, ठीक है जो सेल को इंडिकेट करता है कि कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS Excel की एक विशेषता किसी दूसरे डाटा सेट पर किसी अन्य डाटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में मदद करती है कि वह MS Excel कहलाती है, डाटा फिल्टर, चार्टिंग, या फिर व्हाट इफ एनालिसिस, या फिर डाटा सीरीज क्रम। एक बार क्वेश्चन जो है फिर से पढ़ लेते हैं, MS Excel की एक विशेषता किसी दूसरे सेट डाटा सेट पर किसी अन्य डाटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में मदद करती है, वह MS Excel कहलाती, क्या कहलाती, डेटा सीरीज यानी कि क्रम। ठीक है ये आपका सही ऑप्शन है डेटा सीरीज, डेटा सीरीज। ठीक है ये आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्यूमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में टेक्स्ट के कॉपी फॉर्मेट के लिए एक विकल्प का चुनाव किया जाता है, क्या वही चुनाव किया जाता है ये हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मेट पैराग्राफ, फॉर्मेट पेंटर, एडिट कॉपी, या फिर नहीं किया जा सकता,
तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का, ठीक है, पेस्ट स्पेशल का, वो ऑप्शन में दे नहीं रखा है इनमें के सारे ऑप्शन गलत, फॉर्मेट पैराग्राफ भी नहीं होगा, फॉर्मेट प्रिंटर भी नहीं होगा, एडिटर कॉपी भी नहीं होगा, नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं होगा क्योंकि किया जा सकता, तो पेस्ट स्पेशल में होगा। तो इसमें जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये ऑप्शन सही नहीं है, ये भी क्वेश्चन जो है निरस्त कर दिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, इंसर्ट बुकमार्क, इंसर्ट हाइपरलिंक, फाइल पेज सेटअप लिंक, इंसर्ट फुटनोट। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइपरलिंक, ये जो हाइपरलिंक होता है, जैसे वेबसाइट वगैरह हम देखेंगे आप ब्लू ब्लू टाइप से लाइनें लिखी होती है, जैसे ईमेल कोई लिखा है या फिर कोई वो लिखा है, जैसे www करके कोई भी वेबसाइट लिखी तो ब्लू कलर से जो है इंडिकेट करती है, वही हाइपरलिंक होता है। वो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल में मैक्रोज को उत्तम, मैक्रोज जो होता है उत्तम वर्णित कैसे किया जा सकता है, एमएस एक्सेल में ग्राफिक शॉर्टकट कुंजी बनाना, वाक्यांशों के छोटे छोटे टुकड़े, एमएस एक्सेल के निर्देशों को रिकॉर्डिंग या बार बार शॉर्टकट की कुंजियों के माध्यम से खोलने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना, ठीक है, शॉर्टकट के माध्यम से प्लेइंग टेक्स्ट के छोटे छोटे टुकड़े। तो भाई इसका सही जवाब है सी, ये माइक्रोज का जो यूज होता है उसके निर्देशों को रिकॉर्ड करता है और बार बार शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से खेलने खोलने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल की वर्कशीट रेंज में इनपुट करने के लिए आने वाली बाधाओं और नियमों से संबंधित डाटा के प्रकारों को परिभाषित कीजिए, कैसे करेंगे, डाटा टेक्स्टिंग से, डाटा कंट्रोल से, डाटा वैलिडेशन से या फिर डाटा क्वेरी से। तो इसका सही जवाब होगा डाटा वैलिडेशन, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, डाटा वैलिडेशन द्वारा सारे प्रकारों को परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला का प्रयोग करने के लिए संभव विकल्प है, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट फार्मूला, टेबल फार्मूला, फॉर्मेट पैराग्राफ, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है तो इसमें ये भी ऑप्शन इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट फार्मूला ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, और टेबल फार्मूला ये भी ऑप्शन सही है, ये आपका गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं ये भी आपका गलत होगा। तो इसके दोनों ऑप्शन ये करेक्ट हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रद्द किया गया है, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैंड मास्टर विकल्प का निम्न में से क्या उपयोग है, हैंडआउट की प्रस्तुतियों जो आप उपलब्ध कराना चाहते हैं, हेडर फुटर तिथि और समय जैसी सुविधाओं की अनुमति देना, कागज पर स्लाइड की लघु प्रस्तुति की अनुमति देना या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई ये तो इसका काम ही होता है, जो हैंड मास्टर विकल्प होता है हैंडआउट मास्टर, तो इसका ये काम ही होता है, हैंडआउट की प्रस्तुतियों को भी उपलब्ध कराता है, ठीक है, और आपका जो है हेडर फुटर की तिथि और समय जैसी सुविधाओं को भी प्राप्त करता है, कागज पर स्लाइड और लघु प्रस्तुति की भी अनुमति देता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइन वैन और मैन में मुख्य अंतर क्या है, लाइन वैन और मैन में मुख्य अंतर क्या है, उसके नाम, उनके डाटा रेट, सेटअप की लागत या फिर भौगोलिक कार्य क्षेत्र, ठीक है। तो भाई लाइन्स और वैन्स और ये जो मैंस के मुख्य अंतर यही भौगोलिक कार्य क्षेत्र का होगा, क्योंकि लाइन का यूज कहाँ होता है, वैन वाइड लाइन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब होता है, तो ये आपका भौगोलिक कार्य क्षेत्र सबके अलग अलग होंगे, तो आपका यही सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क के लाभ में शामिल नहीं है, क्या नहीं है, बेहतर जानकारी साझा करना, ठीक है भाई साझा करता है तो ये गलत है ऑप्शन, वर्कर परफॉर्मेंस को बेहतर मॉनिटरिंग, ठीक है, पेरिफेरल्स की शेयरिंग, रख रखाव में कम लागत। तो भाई हमको लगता है इसमें यही सही जवाब होगा, वर्कर परफॉर्मेंस की बेहतर मॉनिटरिंग करना, ये उसके लाभ में शामिल नहीं, बाकी तो ये पेरिफेरल शेयरिंग, रख रखाव में कम लागत, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये तीनों ऑप्शन शामिल, तो यही एक शामिल नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यदि आप टेलनेट या एफटीपी का उपयोग कर रहे हैं तो डाटा संचारित करने के लिए उच्चतम परत निम्नलिखित में से कौन सी होगी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन सत्र या फिर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ट्रांसपोर्ट, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डाटाग्राम भेजने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम की अनुमति देता है, UDP, VMTP, X.25, SMTP। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा UDP। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडेम टेलीफोन लाइन और किससे जुड़ा होता है, नेटवर्क से, कंप्यूटर से, कम्युनिकेशन एडाप्टर से, सीरियल क्रमिक पोर्ट से। तो मॉडेम टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर से जुड़ा होता है। भाई कंप्यूटर से जुड़ा होगा तभी तो आपका इंटरनेट चलेगा, नहीं तो फिर कैसे चलेगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूटिंग तालिका का उद्देश्य क्या है, हर नोड के हर एड्रेस को संग्रहित करना, गंतव्य एड्रेस का सटीक स्थान बताना, नेटवर्क फ्लड, गंतव्य के लिए सबसे कुशल मार्ग खोजना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गंतव्य एड्रेस का सटीक स्थान बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में संवाद नियंत्रण और टोकन प्रबंधन डैश के लिए उत्तरदायी होता है, सत्र सेशन लेयर के लिए, नेटवर्क लेयर के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए या फिर डाटा लिंक लेयर के लिए। तो ये सत्र यानी सेशन लेयर के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर ए, सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैन वाइड एरिया नेटवर्क हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, ब्रिज, स्विच, राउटर या फिर फायरवॉल। तो इसके लिए वैन के लिए हार्डवेयर के लिए राउटर बहुत जरूरी होता है, राउटर। ठीक है, राउटर जो है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल लोकल डिवाइस के हार्डवेयर पते को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है, RARP, ARP, IP, ICMP। तो इसका सही जवाब है ARP, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस टोपोलॉजी उपयोग करने के लिए क्या ड्रॉबैक है, केवल एक जोड़ी नोट्स ही जुड़ सकते हैं, अतिरिक्त कंप्यूटरों को जोड़ने पर या हैवी ट्रैफिक होने पर कार्यक्षमता घट जाती है। ठीक है, कोई कमियां नहीं है, बहुत ही धीमी गति से डेटा दर। बस टोपोलॉजी उपयोग करने के क्या ड्रॉबैक है, तो ये आपको बताना है, ऑप्शन आपने देख ही लिए। तो इसमें जो है एक ही प्रॉब्लम आती है, वो बहुत सी धीमी गति हो जाती है, बहुत ही स्लो स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही धीमी गति से डेटा जो है प्रोवाइड करता है, इधर उधर ट्रांसफर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। TCP/IP में पोर्ट एड्रेस डैश बिट्स होता है, कितने बिट्स का होता है, 32, 48, 16 या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 16 बिट्स का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिमोट बैच प्रसंस्करण में पूरी तरह केंद्रीय कंप्यूटर में इनपुट डेटा डालने के लिए डैश क्या का किस चीज का प्रयोग होता है, टेलीग्राफ लाइन, सिंप्लेक्स लाइनों या मिक्स्ड बैच चैनल या फिर उपरोक्त सभी। तो भी इसका सही जवाब होता आपका होगा, इसका सही जवाब होगा आपका सिंप्लेक्स लाइन। ठीक है, सिंप्लेक्स लाइनों का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित डिवाइसों में से किसको दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, खास करके तब जब सिस्टम में भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया हो, हब या फिर ब्रिज या फिर गेटवे या फिर रिपीटर। ये तो आपको पता ही होगा कि गेटवे का प्रयोग किया जाता है, भाई कहीं भी दो सिस्टम कनेक्ट है। अभी मान लीजिए आप कहीं कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और हर पेमेंट का गेटवे अलग अलग है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो लगाया जाएगा वो गेटवे होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सबनेट मास्क 255.255.255.248 का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं,
6, 248, 48 या फिर 255। ठीक है, तो इसमें इसका सही जवाब है 6 होस्ट कनेक्ट किए जा सकते हैं, भाई 6 होस्ट होंगे। ठीक है, कौन सा भाग 192.168.10.51 नेटवर्क का आईडी का हिस्सा बताता है एज्यूमिंग डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स। ठीक है, 192.168.10 या फिर 000.5 या फिर 51। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो आपके नेटवर्क की आईडी बताता है। ठीक है, और ये सर्वर को डिनोट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस टीसीपी में प्रयोग होती है, डीएचसीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, टीएफटीपी या फिर एफटीपी। ठीक है, तो इसमें भाई एसएमटीपी ये भी प्रयोग में आती है, एचटीटीपी ये भी प्रयोग में आती है और एफटीपी ये भी प्रयोग में आती है, यानी ऑप्शन नंबर 2, 3 और 5। तो इसमें देखते हैं किसमें है, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये तीनों प्रयोग में आती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्लीट डैश कंप्लीट यूआरएल का पहला भाग है जो वेब संसाधनों को एक्सेस करने के लिए काम आता है, एड्रेस, नाम, लोकेशन, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, वो कंप्लीट यूआरएल का पहला भाग होता है जो वेब संसाधनों को एक्सप्रेस करने के काम आता है। एक्सएमएल में एक्स का अर्थ क्या होता है, मिक्स्ड, क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक्सटर्नल या एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है एक्सटर्नल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब डॉट कन्फिग में फाइल का उपयोग किया जाता है उस टाइम पर कन्फिगर करने के लिए करें जब सर्वर साइड कोड बिहाइंड द मॉड्यूल कहलाता है, वेब सर्वर को कन्फिगर करने के लिए, वेब ब्राउजर को कन्फिगर करने के लिए या फिर एप्लीकेशन के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल डिफिनेशन स्टोर करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल डिफिनेशन को स्टोर करता है। ठीक है, ए एस पी में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा है क्या है भाई, एक्समा स्क्रिप्ट या फिर VBS स्क्रिप्ट या फिर PRL या फिर जावा स्क्रिप्ट। तो इसका सही जवाब है VB स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जावा प्रोग्राम का, इस जावा कोड का परिणाम क्या होगा। ठीक है, ये जब आप पूरा सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्रोग्राम क्या होगा भाई, इसका परिणाम क्या निकल के आएगा। तो जब इसको आप पूरा सैल्यूट करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट देखिए, पहले काउंटिंग दे रखा है, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग कर रहा है, फिर कौन कर रहा है, तो ये आपका तीनों जो है यहाँ से ये चारों जुड़ के रिजल्ट में निकल के आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कॉमा टेस्टिंग, क्वालिटी और पॉइंट टेक्नोलॉजी। ठीक, ये चारों आपके जुड़ के आ जाएंगे, यहाँ से इन्होंने एरे बना के रख दिए ना, पूरा प्रोग्रामिंग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जीक्यूटेबल यूटिली प्रोग्राम में कंपाइलर, एडिटर आदि को यूनिक्स ओएस में जिस सिस्टम डायरेक्टरी में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेव या ETC या फिर बिन या फिर यूजर। तो उसे बिन कहते हैं, बिन फाइल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स ओएस के सिस्टम डाटा और यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड तथा लॉगिन फाइल डैश निर्देशिका में संग्रहित होते हैं, कहाँ संग्रहित होते हैं, बिन में, यूजर में, प्रोफाइल में या फिर आदि में। ठीक है, तो ये यूजर में संग्रहित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब दस्तावेज बनाते समय इमेज की ऊंचाई और चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए कौन सा फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटीमीटर्स, पिक्सेल्स या फिर डॉट्स प्रति इंच या फिर इंचेस। तो इसमें पिक्सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कहते नहीं कि ये कितने पिक्सेल की इमेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम जगह में कंडेंसिंग फाइल्स को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे कि वह इंटरनेट पर तेजी से भेजी जा सके, डेटा संक्षेपण, डेटा संपीड़न, जिपिंग या फिर डिफ्रेमेशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका डेटा संपीड़न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इससे फाइलों को डेटा संपीड़न करके फाइलों को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर लेते हैं और फिर वो आराम से
कहीं भी तेजी से भेजी जा सकती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैक्स क्या है? स्टैटिक आंकड़ा संरचना, गतिक आंकड़ा संरचना, इनबिल्ट डेटा संरचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टैक जो होता है वो एक गतिक आंकड़ा संरचना होती है, कहने का मतलब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर यानी गतिक आंकड़ा संरचना। ठीक है, ये स्टैक्स है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्यू को क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? डीएफएस, बीएफएस, मूलांक्रम, या फिर दोहरान। ठीक है, तो इसको जो क्विक का पेज, जो क्विक का यूज होता है, तो इसका यूज होता है रेडिक्स सॉर्ट में। ठीक है, रेडिक्स सॉर्ट मतलब होता है आपका मूलांक्रम। ठीक है, मूलांक्रम में यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक क्वी में फॉन्ट सूचक का मान रेयर सूचक के बराबर है तो क्विक क्या होगी? खाली है, या फिर संपूर्ण भरा है, या क्विक में एक केवल एक ही तत्व है, या फिर इसमें एक ही तत्व हो सकता है, एक ही तत्व हो सकता है। ठीक है, तो भाई जब इसमें क्विक में फ्रंट सूचक का मान रेयर होगा तो जाहिर सी बात है उसका मान जीरो होगा, यानी कि वो खाली होगा। ठीक है, तो ये खाली होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, और मैं उसमें शायद रीजनिंग की कोई क्लास डालने वाला हूँ, अभी कंफर्म नहीं कह सकता, या तो फिर जो मैं मुझे लगेगा कि जो भी बहुत ही एग्जाम फैक्ट से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो वो सीरीज़ में आपको डाल के दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो स्कोर में हैं स्कोर को बूस्ट करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, और टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग इज़ मस्ट, जब तक आपकी टाइपिंग क्लियर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। और बाकी आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपेयर अच्छे से करें, जीके वगैरह भी देख लें, जो करंट का 3 महीने तक का आता ही आता है, तो उसमें से आप लोग कोई एक अच्छी सी बुक मैगजीन ले करके जीके ज़रूर देखते रहें। और बाकी कंप्यूटर का आप मान के चलिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे वो मैं करा दूंगा, रीजनिंग के क्वेश्चन वो मैं करा दूंगा, मैथ्स के क्वेश्चन वो मैं करा दूंगा। ठीक है, और जो आपके जीके या जीएस के होंगे वो भी मैं कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ये चारों सेक्शन मैं आपके कवर कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है जब चारों सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे तो आपके नंबर्स में इजाफा होगा और आपका स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है UPSSSC लेक्चर्स ऑनलाइन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।